तो चलो प्यारे बच्चे, इस वाले सवाल को देखो। बेसिकली इसमें क्या है कि ग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। कहता है ग्राफ बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है। इधर हमने डिस्प्लेसमेंट बनाया है एक्स और इधर हमने बना दिए हैं टाइम टी। तो पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, पार्टिकल सीधी लाइन में जा रहा है और इस ग्राफ के चार पार्ट हैं। पहले ओ ए है, ए बी है, ये पॉइंट बी है, ए बी है और सी बी सी है और सी डी है। तो एक्सलेशन ऑफ पार्टिकल हमें निकालना है, एक्सलेशन का साइन निकालना ओ ए तक। सबसे पहले जो है ओ ए, अगर ग्राफ देखोगे तो एक्स टी ग्राफ, अगर तुम अच्छे से पढ़े होगे, एक्स टी ग्राफ अगर ओ और ए वाला पार्ट ऐसे है, तो ओ से ए तक पार्ट ऐसे है जो कि ये दिखा रहा है कि इसका जो स्लोप है वो डिक्रीज हो रहा है और यहाँ पर स्लोप मिनिमम हो गया है, जीरो हो गया है। तो जो इसका स्लोप होता है वो डी एक्स ओवर डी टी होता है, और जो स्लोप होता है वो क्या देता है भाई, वेलोसिटी टेन थीटा। तो मतलब स्लोप, पहली बात यह है कि स्लोप टेन थीटा की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है और वेलोसिटी यहाँ पर पॉजिटिव भी है क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है, तो वेलोसिटी पॉजिटिव है। और समझ रहे ना, वेलोसिटी पॉजिटिव है और वेलोसिटी कम भी हो रही है। तो इसका क्या मतलब होता है, देखो वेलोसिटी, इसका मतलब ये हुआ कि स्पीड डिक्रीज हो रहा है। तो अब फिजिक्स में स्पीड कौन डिक्रीज करता है, ना वेलोसिटी डिक्रीज करती ना एक्सलेशन डिक्रीज करता, दोनों मिलके डिक्रीज करते हैं। जब दोनों के साइन अपोजिट होते हैं तो वेलोसिटी स्पीड कम होता है। अगर मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव है तो एक्सलेशन को अपोजिट होना ही पड़ेगा इसके, तभी जाके स्पीड फिजिक्स में कम होता है, ठीक है ना, स्पीड डिक्रीज होगा। और अगर एक्सलेशन पॉजिटिव है तो वेलोसिटी को नेगेटिव है। तो पहले ओ से ए तक लेके वेलोसिटी पॉजिटिव और स्पीड कम हो रही, तो एक्सलेशन को तो निगेटिव होना ही पड़ेगा। तो मतलब ये ऑप्शन ए वाला कभी सही नहीं हो सकता और बी वाला कभी सही नहीं हो सकता जो कि एक्सलेशन पॉजिटिव है, या तो डी सही है या तो बी सही है। चलो बी से सी तक बात करते हैं। बी से सी तक देखोगे तो स्ट्रेट लाइन आ गया। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन आ गया तो इसका जो स्लोप है टेन थीटा वो तो जीरो आ गया, तो थीटा की वैल्यू जीरो आ गई, तो वेलोसिटी जीरो आ गई। वेलोसिटी जीरो है तो एक्सलेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। तो एक्सलेशन जीरो आ जाएगी, मतलब अभी भी ये भी, ये इसमें भी जीरो, इसमें भी जीरो है। तो बी से सी तक देखो, अगर बी से सी तक देखोगे तो ऐसे, तो बी से सी तक ग्राफ ऐसे है, ठीक है ना, स्लोप बढ़ रहा है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, तो स्लोप इंक्रीज हो रहा है। तो अगर स्लोप इंक्रीज हो रहा है, ऐसे ग्राफ है, इंक्रीजिंग स्लोप है, तो अगर थीटा इंक्रीज हो रहा है तो टेन थीटा की वैल्यू भी तो इंक्रीज हो रही होगी, और अगर टेन थीटा इंक्रीज हो रहा है तो स्पीड इंक्रीज हो रहा है। तो अगर स्पीड इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ, फिजिक्स में स्पीड कब इंक्रीज होता है, जब एक्सलेशन और वेलोसिटी का साइन सेम होता है। मतलब अगर स्पीड तभी बढ़ सकता है जब वेलोसिटी पॉजिटिव हो, तो एक्सलेशन को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, और यहाँ पर वेलोसिटी पॉजिटिव है क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है, तो एक्सलेशन भी पॉजिटिव। यहाँ पर तुम बी से सी तक देखोगे, बी से सी, हाँ बी से सी तक एक्सलेशन पॉजिटिव है, मतलब ये डी ऑप्शन कभी सही नहीं हो सकता, इसमें एक्सलेशन निगेटिव है ये। और सी से डी तक स्ट्रेट लाइन है, तो जब सी से डी तक अगर स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन, अगर तुम एक्स टी ग्राफ में स्ट्रेट लाइन बनाते हो, ये एक्स टी ग्राफ है, सी से डी तक स्ट्रेट लाइन है, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या है, बोलो, कांस्टेंट है। तो टेन थीटा कांस्टेंट है तो स्पीड या वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव एक्सलेशन क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड में जीरो आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी ऑप्शन द मोस्ट अप्रोप्रिएट और सही ऑप्शन है। थैंक यू।